बात करने वाले हैं जीरो वेस्ट लाइफ, जीरो वेस्ट लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ, कंप्लीट नेचुरल एंड हैप्पी लाइफ। तो हमने सोचा है, हमारा जैसा कि चैनल है आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा, इस पे हम एक कंप्लीट नेचुरल लाइफ कैसे आप जी सकते हैं, कैसे आप बिल्कुल बिना वेस्टेज वाली लाइफ जी सकते हैं, या फिर बहुत ही कम से कम या माइनर वेस्टेज के साथ लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम अपनी मदर नेचर का ध्यान रख सकते हैं। हम इतना कुछ लेते हैं अपनी मदर नेचर से, क्यों ना ये सब हम वापस भी लौटाएं। यदि हम केवल लेते ही रहेंगे अपनी मदर नेचर से और उन्हें कुछ भी वापस नहीं करेंगे, तो ये कब तक चलेगा। अभी अभी सडनली क्या हुआ, हम लोग गए थे नोएडा दिल्ली रोड पर। तो जब हम नोएडा दिल्ली रोड पर जा रहे थे, तो सडनली एक एरिया ऐसा आया वहां पर कूड़े के और गंदगी के इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे बने हुए थे, जहां पर बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी और बहुत ही ज्यादा मच्छर, मक्खी और पता नहीं क्या क्या था। तो ये सब जब हमने देखा, तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि लोग इतना ज्यादा कूड़ा कचरा रोज प्रोड्यूस करते हैं अपने घरों से। तो हमने स्टार्ट किया लोगों से बात करना। हमने सोचा क्यों ना लोगों को कन्विंस किया जाए कि लोगों को कम से कम कूड़ा और कचरा इस तरह से वेस्ट करना चाहिए, या फिर जैसे कि गवर्नमेंट ने भी निकाला है या फिर फॉरेन कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलता है कि उनका कूड़ा और कचरा हमेशा दो या तीन पार्ट में होता है, जैसे कि एक ब्लू और एक ग्रीन। जैसे कि अब हमारी गवर्नमेंट ने भी ये रूल निकाल दिया है, लेकिन बहुत से लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड इसके बावजूद हमारे इतने तरह के ट्रेडिशन होते हैं, इतनी पूजाएं होती हैं, घर पर इतना सामान आता है, उसमें इतनी सारी पैकेजिंग होती है, उसकी वजह से इतना ज्यादा वेस्ट निकलता ही निकलता है। अब जब हमने लोगों से बात की कि आप इतना सारा कूड़ा कचरा क्यों प्रोड्यूस करते हैं या आप इसे मत निकालिए, तो उसमें जो सबसे पहला रीजन निकल कर आया वो था कि हम चाहते ही नहीं है कि हम इतनी गंदगी फैलाएं, या हम चाहते ही नहीं है कि हम इसे फेंकें। नॉर्मल सा मैं टॉपिक आपको बताती हूँ, जो भी पूजा का सामान निकलता है घरों से, तो उसको ले लेकर लोग गंगा जी में सिरा देते हैं, या फिर यमुना जी में सिरा देते हैं, या फिर मंदिर के बाहर रख देते हैं, जिसकी वजह। लेकिन फिर हम इसका क्या करें। अब मेन दिक्कत यहाँ पर हमारे सामने आई कि लोग सही से रहना चाहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन वो करें कैसे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जितने भी उनके क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं, हमने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटी सी सीरीज तैयार की जाए। तो सीरीज में जो पहला एपिसोड हमने क्रिएट किया है वो घर के कचरे के ऊपर किया है। घर के वेस्ट कचरे को हम बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बना सकते हैं, हम कंपोस्ट बना सकते हैं इससे। ये तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन हमने नोटिस किया कि उन्होंने इसमें खाद डाली है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं हम कैसे खाद लाएंगे और कैसे कंपोस्ट करेंगे, या इतने बर्तन लाएंगे तो कैसे होगा। तो हमने सोचा बहुत ही इजी और सिंपल तरीका आपको दिखाते हैं। इसमें आपके घर में जो भी खाने के कचरे निकलते हैं, बस वो खाना पका हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा निकलता है, छिलके निकल रहे हैं, बीज निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, इवन यदि आप दौने वगैरह भी लेके आते हैं ना, पेपर लेकर आते हैं, दौने लेकर आते हैं, वो भी सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी भी गर्मियाँ गई हैं, गर्मियों के बाद हर किसी के घर पर इस तरह के मटके इकट्ठे हो गए होंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले न्यूज़पेपर या फिर पेपर की एक लेयर बिछा दें, फिर एक सूखे पत्ते की लेयर बिछा दें, फिर जो भी ये सब्जी वगैरह था ना, सब्जी का कचरा है, चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, या पत्ते निकले हैं, उन सभी को स्टोर कर लें एक डलिया में। ये डालें, इसके बाद हमने डाल दी है मिट्टी, ये देखिए इस तरह से। और यदि आपके घर पर पेड़ पौधे रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पत्ते लेके उन्हें सुखा कर रखना है। सिर्फ और सिर्फ आप सूखे हुए पत्ते, मिट्टी और घर के खाने के कचरे, या फिर ये देखिए पत्ते वाले जो दौने आते हैं ना, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने मिट्टी डाल दी और इसके ऊपर ये दौने डाल दिए। अब बस थोड़ा सा पानी डाल दें। और अब आप बोलेंगे कि मटका कोई एक दिन में तो भरेगा नहीं, या हम बाल्टी जो प्लास्टिक की बेकार बाल्टी है उसमें भी बना सकते हैं, वो एक दिन में तो भरेगी नहीं, फिर इसे हम किस तरह से करें।
इसे ढककर रख दीजिए। दूसरे दिन का पूरा कचरा आप फिर से इकट्ठा कर लीजिए, जो भी खाने का वेस्ट इकट्ठा हो रहा है आपका। लेकिन इसमें पका हुआ खाना मत डालिए, पका हुआ फूड जब आप इसमें डालेंगे ना बना हुआ, तो इसमें गंदी स्मेल आएगी और ये अच्छे से बनेगी भी नहीं कंपोस्ट आपकी। तो फिर से हम रेडी कर लेंगे, फिर से इस सारे के सारे जो भी हमारे पास ये इकट्ठा हुआ है, इवन इसमें जो हम दालें भिगोते हैं ना उसके भी जो छिलके इकट्ठे हुए हैं, ये देखिए, या फिर जैसे कोई डंडी वगैरह निकलती है, लौकी में डंडी निकलती है या कुछ भी निकलता है, तो आप उसे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। यानी मोटा कूड़ा है तो उसे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, फिर से इसके ऊपर डाल देंगे। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकल आता है एक दिन में, इतना सारा सब्जियों का कूड़ा निकलता है। और यदि आपके पास खाद नहीं है तो इस तरह के गोबर के कंडे हर किसी के घर पर होते ही होते हैं, आपने देखा होगा। इसमें बहुत ही अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो आपके पौधों को चाहिए होते हैं, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। आप खाद डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास ये नहीं है तो बिल्कुल मत डरिए, जैसे मैंने आपको बोला पहली लेयर लगाने के लिए, वैसे ही आप दूसरी लेयर लगा दीजिए, बस मिट्टी और पत्तों के साथ। यानी शाम तक हमारा सारा जो भी घर में वेस्ट निकलना था, किचन वेस्ट, वो निकल चुका है। मिट्टी ऐसे हमने 4-5 दिन किया, लेयर लेयर लगा दी, यानी पहले खाने की लेयर, फिर मिट्टी और पत्तों की लेयर, फिर खाने की लेयर, फिर मिट्टी और पत्तों की लेयर। जब ये मटका पूरा भर गया 7 से 8 दिन के बाद, तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा दही, दही यानी थोड़ा आप चला लीजिए आधी कटोरी खट्टा दही, खट्टा नहीं है तो नॉर्मली डाल दीजिए, इस तरह से खट्टा दही और गुड़ डालकर अब हम इसे ढककर एक साइड से रख देंगे। अब आप बोलेंगे कि 8-10 दिन बाद जब ये नीचे की साइड बैठ जाएगा तो फिर हम इसमें फिर से डालने लगें किचन वेस्ट। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक दूसरा मटका या फिर प्लास्टिक की बाल्टी ले लेनी है, आपको फिर ये जो किचन वेस्ट है वो इकट्ठा उसमें करना है। आप कोशिश कीजिए 2-3 मटके रखिए या फिर गमला रख लीजिए, प्लास्टिक रखिए, कम से कम 3 से 4 बर्तन रखिए, क्योंकि एक में आप लगभग 7 से 8 दिन ही डाल पाएंगे और इसको बनने में जो पूरा टाइम लगेगा वो लगभग 25 दिन का होगा। तो यदि आप 3 बर्तन रखेंगे तो ये इजीली बनता रहता है, यानी दब जाएगा और फिर इसको बनने में 30 दिन का टाइम लगेगा। और मटके में तो आपको किसी भी तरह का कोई छेद भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एयर इजीली अपने आप ही पास होती है, मिट्टी का है। यदि आप बोल रहे हैं कि आप गर्मियों में मटका नहीं रखते हैं तो आप कैसे बनाएं, तब भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्लास्टिक की बाल्टी ले लेनी है, उसमें साइड साइड से 4-5 छेद कर लीजिए जिससे एयर आपस में पास हो सके, या प्लास्टिक का कोई ड्रम ले लीजिए। अब चलिए, आपको ये कैसे पता चलेगा कि खाद बनकर रेडी हो गई है, तो हमने इसे पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो ये देखिए आज लगभग 25 से 30 दिन हो चुके हैं और जो हमने ये इसमें इकट्ठा किया था ना, वो कैसा लग रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हल्का सा हम पहले हिलाएंगे और यदि आपको लग रहा है कि पानी हमने इसमें जब भी खाना डाला और मिट्टी डाली उसके बाद हमने पानी डाला, वो अभी इसमें है, स्टोर है, थोड़ा सा भी रह गया है, तो आप इसे धूप में रख दीजिए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो पानी अपने आप ही भाप बनकर उठ जाएगा। और फिर ये देखिए इसमें इस तरह की खाद निकलेगी। अब मैं इस मटके को आपको पलट कर दिखाऊंगी जिससे आपको इजी हो जाए जानना इस खाद का आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इसे अपने पेड़ पौधों में दे सकते हैं। और जो ये खाद तैयार होती है किचन वेस्ट से, इसको ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमने इसमें तरह तरह के वेजिटेबल्स डाले हैं। इसमें प्रॉपर फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, जो पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हमें बोला जाता है ना कि हमें संतुलित खाना खाना चाहिए, यानी हम नेचर को नेचर की फॉर्म में ही वापस लौटा रहे हैं। हम इसे बिल्कुल भी सड़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे हैं। और इसे आप कहीं भी अपने घर में आप चाहें तो डायरेक्ट इसी खाद में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आपको लगता है ना कि आपको नर्सरी की मिट्टी नहीं मिलती है, तो ये देखिए इसमें कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो हो सकता है अभी नहीं गली हो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये 25 से 30 दिन हुए हैं इस खाद को रखे हुए, तो अभी नहीं हुए हैं, तो मैं इसको दूसरे में डाल दूँगी। क्योंकि जो बड़ी चीज़ें होती हैं, मोटी चीज़ें होती हैं, वो लगभग 100 दिन में हो पाती हैं,
तो ये इस तरह की खाद रेडी हुई है। अब इस पूरी खाद को हम एक कोई भी बड़े जैसे आटे वगैरह की बोरी होती है उस पे डाल देंगे, और आप चाहें तो जो मोटी वाली छलनी होती है आप उससे छान भी सकते हैं यदि आप इसमें डायरेक्ट पौधे लगा रहे हैं, या फिर इसका मोटा मोटा कूड़ा ऊपर का हटा दीजिए। और यदि आपको पेड़ों में खाद देनी है तो ये बेस्ट खाद है, आप हर 15 दिन में अपने पेड़ों में ये खाद लगा सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट और ये वाली खाद बहुत ही अच्छी मानी जाती है पेड़ों के लिए। तो एक तो ये आपकी फ्री की खाद तैयार हो रही है घर में, और दूसरा आप खुद से ही नेचर को बचा रहे हैं, एक छोटा सा स्टेप ले रहे हैं नेचर को बचाने की तरफ। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे इस पूरे एक छोटे से स्टेप को सपोर्ट करने के लिए आप इसे अपने और भी प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें एंड खुद करना स्टार्ट करें। जब आप खुद करना स्टार्ट करेंगे तभी आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे ये करने के लिए, और नेचर को बचाने के लिए इससे अच्छा स्टेप कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आप हमारे इस छोटे से स्टेप में हमारे साथ हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। सो थैंक यू।